okay? Help! हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 मूवीज एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी एवरेस्ट को, जो 2015 में रिलीज हुई थी। ये एक एडवेंचर, थ्रिल और रियल स्टोरी पर बेस्ड मूवी है। ये मूवी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है, जहाँ 1996 में एवरेस्ट पर एक हादसा पेश आया था और 2015 पर इस पर एक फिल्म को फिल्माया गया था, जिसका नाम है एवरेस्ट। इस फिल्म में बस सच्चाई को दिखाया गया है कि उस दौरान क्या हुआ था, कि कैसे इंसान अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। और अब बिना टाइम को वेस्ट के चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। 1953 में एडमंड हिलरी और टेंजिंग नॉर्गे पहले दो इंसान थे जो पहली बार एवरेस्ट पर चढ़े। इसके बाद बहुत कम ऐसे लोग थे जो एवरेस्ट पर चढ़े, क्योंकि एवरेस्ट पर चढ़ने का मतलब मौत है। लेकिन 1992 में रॉब हॉल नाम के एक बंदे ने इसे अपना बिजनेस बना लिया और उसने लोगों को एवरेस्ट पर ले जाने का काम शुरू कर दिया। और अगले 4 सालों में वो 19 लोगों को बिना किसी हादसे के एवरेस्ट पर ले गया। 1996 में रॉब एक और टीम को एवरेस्ट पर ले जाने के लिए तैयार होता है। जाने से पहले रॉब की बीवी बोलती है कि जल्दी वापस आना, क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। रॉब बोलता है कि मुझे आने से कोई नहीं रोक सकता, और वो अपने सफर पर आगे बढ़ जाता है। डेट होती है 30 मार्च 1996। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स काठमांडू नेपाल पहुंचते हैं। रॉब हॉल की कंपनी का नाम होता है एडवेंचर कंसल्टेंट्स, और रॉब की टीम के साथ और भी लोग होते हैं, जिसमें बेग, डग, जॉन और कई लोग होते हैं। ये कुल मिलाकर 13 लोगों की टीम होती है। इनका पूरा सफर 40 दिनों का है और इन्हें 10 जून की दोपहर पर एवरेस्ट के टॉप पर पहुंचना है। अब काठमांडू से पूरी टीम हेलीकॉप्टर पे 9383 फीट की ऊंचाई एक जगह लुकरा पर पहुंचती है। इसके बाद ये सब वहां से पैदल आगे जाते हैं और 17600 फीट की ऊंचाई अपनी बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कई मुल्कों के अलग अलग लोग होते हैं और ये सब अलग अलग कंपनी के साथ एवरेस्ट पर चढ़ने चाहते हैं। 23 अप्रैल को ये पूरी टीम 21,300 फीट की ऊंचाई तक चढ़ जाती है और यहाँ ऑक्सीजन कम होती है। यहाँ पर एक कैंप होता है जहाँ पर ये सब रुकते हैं और ऑक्सीजन भी लेते हैं। दरअसल जो कंपनीज इन्हें एवरेस्ट पर ले जा रही होती हैं, उन्होंने अलग अलग चोटियों पर पार्टिसिपेंट्स के लिए कैंप लगाए होते हैं, ताकि उन्हें आराम मिल सके। अब यहाँ से आगे का सफर इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब ऑक्सीजन हो रही है कम। पहाड़ की चढ़ाई बिल्कुल सीधी होती है और खतरनाक भी। ये वो जगह है जहाँ आप बादलों के साथ रहते हैं। यहाँ पर सब पार्टिसिपेंट्स के लिए उनकी कंपनीज ने उनकी आसानी के लिए रस्सियाँ लगाई होती हैं, ताकि पार्टिसिपेंट्स ऊपर आराम से चढ़ सकें, क्योंकि बिना रस्सी के आम आदमी एवरेस्ट पर चढ़ जाए ऐसा मुमकिन ही नहीं। लेकिन फिर भी ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ का मौसम और ऑक्सीजन की कमी इंसान को अपने आप ही धीरे धीरे मारना शुरू कर देती है। अब ये सब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर पहाड़ चढ़ते हुए इन्हें बहुत ही परेशानी हो रही होती है। इन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही होती है, फिर भी ये सब आगे बढ़ते रहते हैं और 24,000 फीट ऊपर पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। अब नीचे बेस कैंप से हीलन, जो कि रॉब की टीम में होती है, रॉब को मौसम की जानकारी देती है कि मौसम तेजी से बदल रहा है। मौसम ने अपना रास्ता बदल लिया है, लेकिन अगर ये उत्तर की तरफ नहीं गया तो 11 तारीख को बहुत बर्बादी हो सकती है। रॉब बोलता है यहाँ कोई मौसम नहीं होता, पहाड़ अपना रास्ता खुद बनाते हैं। और ये वहाँ से अपनी पूरी टीम के साथ पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ हवा बहुत तेज होती है और एक एक कदम बढ़ाना मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन इन सब की कहीं ना कहीं एक जिद है कि इन्हें ये कर दिखाना है, इसीलिए लगातार बढ़ते रहते हैं। और ये अपने अगले कैंप पर, जो 26,085 फीट पर है, वहाँ पहुँच जाते हैं। और इस ऊंचाई पर मौसम बहुत ख़राब होता है और यहाँ पर सब ये तय करते हैं कि अब ये आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आगे बढ़ने का मतलब मौत है। लेकिन 10 मई को मौसम एकदम अच्छा हो जाता है अचानक से। तूफान का कोई नामो निशान नहीं होता और रात के 12:30 बजे ये सब ऊपर चढ़ने का फैसला करते हैं। और यहाँ से शिखर यानी पीक पर पहुँचने का रास्ता 12 घंटे का होता है
और ये सब ये सोच के आगे बढ़ते हैं कि कुछ ही घंटों में ये लोग अपने ख्वाब को पूरा कर लेंगे। इसके बाद ये 27,600 किलोमीटर ऊपर पहुंच जाते हैं। टाइम होता है सुबह के 4:39। यहाँ पर इनकी टीम में एक आदमी होता है जिसका नाम बैक है। उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, उसे धुंधला दिख रहा होता है क्योंकि कुछ ही साल पहले उसकी आंखों की सर्जरी हुई थी। रॉब उसे बोलता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और अगर तुम ठीक महसूस करो तो आधे घंटे बाद तुम भी आगे बढ़ जाना, नहीं तो तुम्हें अपना सफर यहीं ख़त्म करना होगा। अब बचे हुए लोग जब आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ ऊपर रस्सियाँ नहीं होती और ये अब यहाँ पर रस्सियाँ बांधना शुरू कर देते हैं क्योंकि बिना रस्सियों के ये एक भी कदम ऊपर नहीं चढ़ सकते। और यहाँ से तीन लोग वापस लौटने का फैसला करते हैं क्योंकि यहाँ पर हवाएं बहुत तेज़ होती हैं और बहुत ठंड होती है और इनकी ऑक्सीजन भी ख़त्म हो चुकी होती है, इसीलिए मंजिल के बहुत करीब होने के बावजूद ये रिस्क नहीं लेना चाहते और वापस लौट जाते हैं। वहाँ एवरेस्ट के पहाड़ पर बहुत गहरी गहरी दरारें होती हैं जिनकी तह भी नहीं दिखती और इन्हीं दरारों में गिरकर 19 लोगों की मौत हो चुकी है, इसीलिए बिना रस्सी और बिना सेफ्टी के ये एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। अब इनकी पूरी टीम जिस जगह पर होती है ये 28,440 फीट की ऊंचाई पर है और जब लोग इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें हाइपरथर्मिया हो जाता है। ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है जिसमें गर्मी लगती है, जबान लड़खड़ाती है और गुस्सा भी आता है। जैसे जैसे लोग ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं उन्हें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जैसे दिमाग में सूजन आना, लंग्स में पानी भर जाना और ये सब मौत की एक वजह हो सकती है। अब ये रस्सियां लगा लेते हैं और पहाड़ पर आगे चढ़ने की तैयारी करते हैं। इन सब की हालत ख़राब हो चुकी है, किसी में हिम्मत नहीं होती लेकिन बस एक जज्बा होता है जिसकी वजह से सब आगे बढ़ रहे होते हैं और दोपहर 1:14 पर ये एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाते हैं। इन्होंने कर दिखाया होता है जो ये करना चाहते हैं। रॉब और उसकी टीम बहुत खुश होती है और कुछ ही देर में ये वापस लौटने का फैसला करते हैं। वैसे प्लान के हिसाब से इन्हें 2 वापस लौटना चाहिए था पर ये सब लेट हो जाते हैं और यहाँ पर पहाड़ों पर बादल मंडलाना शुरू हो जाते हैं और इन सब से सांस भी नहीं ली जा रही होती क्योंकि सबके ऑक्सीजन ख़त्म हो चुके होते हैं। रॉब कैंप से कांटेक्ट करते हैं और वो उन्हें बताता है कि ऑक्सीजन टैंक ख़त्म हो चुका है और जितने भी ये एवरेस्ट की चोटी तक पहुँचे हैं अब ये सब वापस लौटना शुरू कर रहे हैं और ये लौटना शुरू भी कर देते हैं। अभी ये थोड़ा ही नीचे आए होते हैं तो इनकी टीम का एक मेंबर जिसका नाम डक होता है वो आ रहा होता है ऊपर की तरफ। रॉब उसे जाने से मना करता है लेकिन वो कहता है कि अगर वो आज नहीं चढ़ा तो वो फिर कभी वापस नहीं आ सकता और रॉब उसे फिर बड़ी मुश्किल से ऊपर ले जाता है। डक की हालत ख़राब हो जाती है लेकिन वो फिर भी टॉप पर पहुंच जाता है और जब वो वहां से नीचे उतरना शुरू करते हैं तो डक की हालत ख़राब हो चुकी होती है। वो लगभग बेहोशी की हालत में होता है और अब ये दोनों ऊपर फंस चुके हैं। बेस में मौजूद लोग रॉब को वापस आने के लिए बोलते हैं पर रॉब मना कर देता है। वो कहता है कि मैं डक को छोड़कर नहीं आऊँगा, ये एक इंसानी ज़िंदगी का सवाल है और वो रस्सी के सहारे बड़ी मुश्किल से उसको नीचे उतारने की कोशिश करता है और तभी एकदम से बहुत तेज़ तूफान आ जाता है और रॉब उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेने जा रहा होता है। वो डक को बोलता है कि तुम यहाँ से हिलना मत लेकिन डक का दिमाग पूरी तरह से सुन हो चुका है और वो भी उसके पीछे आने लगता है। ये बात रॉब को पता नहीं चलती और डक खाई में गिर जाता है और मर जाता है। यहाँ पर रॉब भी पूरी तरह से थक चुका होता है, वो वहीं बैठ जाता है और तभी उसका एक साथी आता है जिसे ऑक्सीजन का आधा सिलेंडर मिला होता है और वो रॉब को ऑक्सीजन देता है और वो दोनों तूफान में नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। ये कुल मिलाकर 13 लोग होते हैं जो फंसे होते हैं और तूफान बढ़ते ही जा रहा होता है। अभी रात के 3 रहे होते हैं और नीचे कैंप से उन्हें बताया जाता है कि उनकी मदद के लिए कैंप से लोगों को भेजा जा रहा है लेकिन वो तभी आ सकते हैं जब तूफान रुकेगा और ऊपर लोग तूफान से, ठंड से और ऑक्सीजन की कमी से मर रहे होते हैं। अब सुबह के 5 जाते हैं और आज दिन होता है 11 मई। रॉब के साथ जो दूसरा आदमी होता है ठंड की वजह से उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और जब रॉब खुद बेहोशी की हालत में होता है तब उसका साथी अपनी जैकेट उतार देता है और बोलता है बहुत गर्मी हो रही है और पहाड़ से नीचे स्लाइड कर जाता है। अब तक इनका कैंप से पूरी तरह से कॉन्टैक्ट और कनेक्शन टूट चुका होता है पर जब तूफान बंद होता है तभी रॉब की कॉल आती है और वो बोलता है कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ और उसके हाथ पांव जम चुके हैं। वो उन्हें बताता है कि उसे मदद चाहिए और मेरा साथी मर चुका है, जिस पर बेस कैंप से उसे कहा जाता है कि उसे किसी भी हाल में नीचे आना होगा क्योंकि इतनी ऊपर बहुत तेज़ हवाएं होती हैं। पर रॉब बोलता है कि मैं नहीं आ पाऊँगा और इसके बाद इसका कनेक्शन कट जाता है। अब नीचे इनकी टीम बोलती है कि रॉब की वाइफ को कॉल लगाओ और उसका फ़ोन सैटेलाइट फ़ोन के पास रखो, उसे अपनी वाइफ की आवाज़ सुनकर हिम्मत मिलेगी
और वो ऐसा ही करते हैं। रॉब की वाइफ उसे मोटिवेट करती है कि कुछ ही देर में धूप निकल आएगी, तुम बस थोड़ी सी हिम्मत करके नीचे आ जाओ। रॉब को वहाँ पर बहुत परेशानी हो रही होती है क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चल रही होती हैं और बिना ऑक्सीजन के सांस लेने में काफ़ी तकलीफ भी हो रही होती है। इसके बाद रॉब वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करता है और जो लोग ऊपर रॉब को बचाने गए होते हैं वो रॉब को बचा नहीं पाते क्योंकि वहाँ पर हवाएं बहुत तेज़ होती हैं और उन्हें वापस लौटना पड़ता है। रॉब अब बोलता है कि उसे एक और रात यहाँ पर रुकना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से अकेला वो नहीं निकल सकता और वो ये भी समझ जाता है कि उसको यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ बैक, जिसे दिखने में परेशानी हो रही होती है, वो नीचे उतरने वाले लोगों के साथ कुछ दूरी तक नीचे आ चुका होता है, पर रात को तूफान की वजह से वहाँ मौजूद सब लोग मर जाते हैं और बैक अभी भी जिंदा होता है। वो हिम्मत से खड़ा होता हुआ आगे बढ़ता है और वो नीचे कैंप तक पहुँच जाता है जहाँ और भी लोग होते हैं, मगर उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है और अगर उसे मेडिकल हेल्प नहीं मिली तो वो मर जाएगा। और जब ये बात बैक की वाइफ को पता चलती है तो वो उसको वापस बुलवाने की जिम्मेदारी खुद पर ले लेती है और अमेरिकन एम्बेसी नेपाल की हेल्प से वो उसे हेलीकॉप्टर के जरिए बुलवा लेती है। वहीं दूसरी तरफ रॉब वहाँ से नीचे नहीं आ पाता और वो बाकी लोगों की तरह हमेशा के लिए पहाड़ों का होकर रह जाता है। दूसरी तरफ बैक घर वापस आता है और उसकी उंगलियों और नाक में खून जमने की वजह से वो गल जाती हैं, जिसकी वजह से उसके हाथ और नाक काटनी पड़ती है, लेकिन बैक की फैमिली उसका साथ देती है और आज भी वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता है। जुलाई 1996 में रॉब की बेटी पैदा होती है। उसकी माँ उसका नाम सारा ही रखती है क्योंकि रॉब ने यह नाम उसे सजेस्ट किया होता है पहले ही। ये था 1996 का वो दर्दनाक हादसा जिसमें कई लोगों की जान गई। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोज़ को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।